समीकरण और सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे समीकरण के बारे में कि समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पे हमने एक गणितीय कथन लिखा है। ठीक है, गणितीय कथन क्या लिखा है, 2x = x + 3। ठीक है, 2x जैसा आपको बताया था हमने, ये क्या पद है, और x और प्लस 3 ये भी क्या हो गया, गणितीय व्यंजक हो गया। तो ये एक पदीय गणितीय व्यंजक हो गया, ये दो पदीय। अब इन दोनों के बगल में हमने क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। तो ये क्या है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसे हम कहते हैं गणितीय कथन। अब ये गणितीय कथन में चर क्या है, अच्छा ये होता चर क्या है, चर क्या है इसमें, एक्स। एक्स क्या है हमारा, चर। एक्स जो है चर, इसका मान बदल सकता है, क्योंकि देखो 2 और 3 क्या है, अचर है, क्योंकि इनके मान में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, लेकिन x का मान हम परिवर्तित करके रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इसमें देखो चर उसका जो x है, उससे ये हम विभिन्न मानों पर इस गणितीय कथन को इसमें रखेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कैसे इसका मान बदलता है। तो हमने पहले क्या किया, हाँ एक चीज और समझ लो, यहाँ पे देखो जब हम लिखेंगे इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये 2x हमारे किस हाथ की तरफ होगा, दाएं हाथ की तरफ, बाएं बाएं। तो ये जब हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये वाला हाथ देखो इस तरफ होगा, कौन सा हाथ होगा, बाया। तो ये हमारा कौन सा पक्ष हो गया, बाया पक्ष, और ये कौन सा पक्ष हो गया, दाया पक्ष। जो बाई तरफ हो बाया पक्ष और जो दाई तरफ दाया पक्ष। तो हम दोनों तरफ x के मान को बदल बदल कर रखेंगे और एक सारणी बनाएंगे, क्योंकि हमने एक सारणी बनाई है। ठीक है, पहले हमने x का मान क्या रखा है, तो क्या रखा, एक। अब देखो 2x में जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की गुणा 1 से होगी, कितना आया, 2 रेखा 2। तो 2 आ गया। बायां पक्ष हमारा कितना आया, 2। अब दायां पक्ष हमारा कितना आएगा, यहां पे अब 1 रखो, 1 में 3 को जोड़ो, 4। तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया 4। अब हमने x का मान बदल दिया, हमने क्या रखा, 2 रखा। जब हमने x का मान 2 रखा तो यहाँ पे 2 से 2 की गुणा करो, 4। तो हमारा बायां पक्ष कितना आ गया, 4। दायां पक्ष कितना आएगा, 5। क्यों, क्योंकि 2 में हम 3 को जोड़े, 5 आ गया। अब हमने क्या किया, 3 रखा, 3 रखो, बायां पक्ष कितना आएगा, 6। ये 2 3 6 आ गया। अब दायां पक्ष में 6 क्यों आया, 6 3 में 3 जुड़ गया, क्योंकि x की जगह हमने 3 रखा है। अब हमने 4 रख दिया, x बराबर 4, 2 के 8 आएगा, कि 2 के हम 4 से गुणा करेंगे, तो हमारा बायां पक्ष आ गया 8, दायां पक्ष 7। अब इस पूरी सारणी में आप ये देख के बताओ कि कभी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हुआ, कहीं नहीं हुआ, हुआ कब, हुआ 3 में, जब हमने x का मान 3 रखा। ये देखो जब हमने x का मान 3 रखा तो हमारा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया, और किसी में हुआ नहीं हुआ। तो ये बराबर के निशान से तभी लगता है जब दोनों तरफ बराबर होते हैं, है ना। तो यानी कि हमारा x का मान क्या होगा, x का मान क्या निकल के आया, 3 निकल के आया, क्योंकि 3 पे दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, केवल एक बार ही ऐसा हो पाया, इसलिए ये हमारी एक गणितीय समीकरण कहलाती, क्या कहलाएगी, समीकरण, समीकरण। ठीक है, समीकरण में, और इसका हल कितना है, आंसर कितना है, उत्तर कितना है, उत्तर कितना निकल के आया,
x की मान कितना निकल के आया? तीन। जो x का मान निकल के आया तीन आ गया। तो जो अभी हमने सारणी पढ़ी तो क्या निष्कर्ष निकला उससे कि बे बीजीय कथन, बीजीय कथन तो समझ में आ गया था, जिसमें बराबर होगा है ना, पदों के बीच में क्या लगा होगा, बराबर का निशान, उन्हें क्या कहेंगे, बीजीय कथन। बे बीजीय कथन जो चर, चर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या था हमारा एक्स, बे बीजीय कथन जो चर एक्स के कुछ मान के लिए, सब मानों के लिए नहीं कुछ मान के लिए, ये सवाल में किसके लिए वो संतुष्ट हो रहा था, x बराबर तीन के लिए है ना, तो इसलिए सब मानों के लिए नहीं कुछ मानों के लिए संतुष्ट होगा, संतुष्ट माने दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा, तब क्या होगा, समीकरण कहलाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, समीकरण। और जिस मान पे वो दोनों संतुष्ट होगा यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उस समीकरण का हल। ठीक है, यदि कोई पूछे कि ये समीकरण हल करनी है तो उसका मतलब क्या है, हमें x का वो मान निकालना है जिस पे दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर। अभी बस सुनिए है ना, अब यहाँ पे हमने एक और बीजीय कथन ले लिया, क्या लिया हमने, कौन सा बीजीय कथन है, x ब्रैकेट में x प्लस वन ब्रैकेट वन बराबर x स्क्वायर प्लस x। इसमें भी दो पद है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, बायां पक्ष कौन सा है, जो बाएं हाथ पे है ना, जो हमारे बाएं हाथ से बाएं हाथ ये है, इसके देखो इधर की तरफ कौन सा है, x ब्रैकेट में x प्लस वन, तो ये क्या हो गया बाएं पक्ष, और दायां पक्ष कौन सा, जो हमारे दाएं हाथ पे, ये रहा क्या है x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और बीच में लगा बराबर का निशान, तो हम x का वो मान निकालेंगे जिसमें ये दोनों बराबर है। तो हमने क्या किया, पहले x बराबर रखा वन, अब यहाँ पे रखो एक, यहाँ पे रखो एक, ठीक है, एक रखकर देखो यहाँ पे है हमारा समीकरण क्या है, x x प्लस वन, पहले हमने कौन सा लिया बायां पक्ष लिया, अब हमने बाएं पक्ष में रख दिया x बराबर एक, यहाँ पे भी एक रख दिया, यहाँ पे भी एक रख दिया, ठीक है, ये हो गया एक, और देखो एक से एक जुड़े कितना आएगा दो, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, हो गया दो, तो क्या निकल के आया दो, गुणा हो रही है, गुणा हो रही है ना, एक की दो से गुणा हुई तो क्या आया दो, तो हमारा ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा कितना निकल के आया दो, अब हम कौन सा लेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या हमारा, क्या दायां पक्ष बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हमने एक रखा, वहां पे भी हम एक रखेंगे, रख दिया हमने, एक का स्क्वायर कितना होता है एक होगा, एक ही गुणा एक से करोगे कितना आएगा एक, और यहाँ पे भी एक है, एक से एक को जोड़ा कितना निकल के आया दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि किसके लिए, एक्स बराबर एक के लिए। अब हम दूसरा मान रखकर देखते हैं, कोई दूसरा मान ले लो, कितने ले लेते हैं तीन, कितने रखा ये हमने, कौन से पक्ष में, बाएं पक्ष में, अब देखो एक्स बराबर तीन रखा, एक्स बराबर तीन प्लस एक, अब ये तीन तो ऐसे आ गया, बीच में देखो कोई निशान नहीं है, कौन सा निशान हो जाएगा, और तीन में एक को जोड़ो चार, तीन चौक बारह, हमारा बायां पक्ष निकल के आ गया बारह, अब हमारे दाएं पक्ष में, फिर हम ये करेंगे x बराबर कितना रखेंगे तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ प्लस
तीन, नौ में तीन जोड़ो बारह, देखो दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर हो गया, ठीक, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर, एक के लिए भी बराबर, तीन के लिए भी बराबर, ऐसे ही दो दो रख कर देखो, चार रख कर देखो, ठीक है, जीरो रख कर देखो, सारे पदों के लिए, ठीक है, जो भी आप एक्स का जो भी मान रखोगे उसके लिए आपका दाया पक्ष बाएं पक्ष के कैसे आ रहेगा, बराबर। जब हमारे सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आए तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्व समीकरण, वो हमारी समीकरण नहीं रहती, क्या हो जाती है, हाँ सर्व समीकरण। जब हमारा कोई भी गणितीय कथन x के सभी मानों के लिए बराबर हो, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो, तो वो हमारी सर्व समीकरण कहलाती है। समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर समझ गए, ठीक। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या उदाहरण लिया हमने कि x स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वो माइनस पांच बराबर एक, ये हमारी सर्व समीकरण है या नहीं है, हम इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए देखो पहले हम इसमें दो पक्ष देखेंगे, दो पक्ष हैं इसमें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए तभी हमारी समीकरण बनेगी या फिर सर्व समीकरण बनेगी। यदि ये बराबर में एक नहीं होता तो ना ये हमारी समीकरण होती और ना ये हमारी सर्व समीकरण होती, ये केवल एक बीजीय व्यंजक होता, लेकिन जैसे ही बराबर बना के हमने एक लगा दिया तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब ये समीकरण सर्व समीकरण है कि नहीं है ये हमें देखना है। सर्व समीकरण कब होगी, जब ये x के सभी मानों के लिए बराबर, ठीक है, बराबर का मतलब हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, ये वाला पक्ष कौन सा कहलाएगा, बायां पक्ष, और ये कौन सा, ठीक है। तो देखो दायां पक्ष तो एक है, उसमें तो हमें कहीं पे भी x की मान नहीं रखना, केवल हमें बाएं पक्ष में x का मान रखना है, और यदि वो एक आ जाता है तो वो हमारा वहीं पे सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो एक एक करके हम x के कुछ मान रखेंगे, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, जीरो रखेंगे, हमने माना x बराबर जीरो, अब हमने इसमें रखा मान x, अब x की जगह जीरो रख लो तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस तीन गुणा जीरो माइनस पांच, देखो तीन x लिखा था, तीन और x के बीच में कोई भी निशान नहीं था, जहां कोई भी निशान नहीं होता वहां किसका निशान होता है, गुणा का, तो इन दोनों के बीच में किसका निशान था, गुणा का, तो हमने गुणा का निशान लगा दिया। जीरो की गुणा किसी से भी करते तो हमारा आंसर कितना आता है, जीरो, तो जीरो की गुणा जीरो से करेंगे कितना आएगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कितना हुआ, जीरो। अब तीन की गुणा जीरो से करो, जीरो, जीरो आएगा या तीन जीरो आएंगे, जीरो आएगा, जीरो एक बार देखो तीन बार देखो बात तो एक ही है, जीरो आया, तो हमने यहाँ पे भी से क्या कर दिया, जीरो। अब ये देखो माइनस पांच है, माइनस पांच हमने, अब देखो जीरो प्लस जीरो माइनस पांच, दो बार जीरो को जोड़ो क्या आएगा, जीरो या दो जीरो, जीरो आएगा, जीरो को जितनी बार भी जीरो में जोड़ लिया तो आएगा, है ना। और अब जीरो में से माइनस पांच करो कितना आएगा, जीरो में से माइनस पांच करेंगे तो पांच आएगा या माइनस पांच, माइनस पांच आएगा, है ना, माइनस पांच, यहाँ पे आया माइनस पांच, हमारा बायां पक्ष है माइनस पांच और दायां पक्ष क्या है, एक। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि x का मान जीरो रखने पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं आया, जब नहीं आया तो ये हमारी सर्व समीकरण नहीं है।
है ना, क्योंकि सब समता तो सब होती है, सभी मानों के लिए बराबर आती तो जीरो के लिए भी बराबर आती, लेकिन जीरो के लिए बराबर नहीं है, इसलिए सब समता नहीं। आगे समझ में, ये आपका अभ्यास कार्य है, इसमें ये पांच आपको गणितीय कथन दिए हुए, बीज गणितीय कथन दिए हुए, इनमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से समीकरण और सर्व समता छाटनी है, इनमें से समीकरण कौन सी है और सर्व समता कौन सी है। तो देखो एक तरीका तो हमने बताया, जैसे यहाँ पे अब x पहला है x प्लस a बराबर चार, तो हम क्या करेंगे x के मान रखेंगे, x का मान जीरो रखो, तो x बराबर हो गया जीरो प्लस एक, तो यहाँ पे हमारा बायां पक्ष कितना निकल के आया, बायां पक्ष कितना निकला, बायां पक्ष भाई जीरो में एक जोड़ो कितना आएगा एक, तो बायां पक्ष हमारा कितना निकला एक, और दायां पक्ष हमारा कितना है चार, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया नहीं हुआ, तो ये हमारी जीरो पे इसका मान x का मान जीरो रखने पे समीकरण बराबर नहीं बैठी, तो इसका मतलब ये सर्व समता नहीं, ये क्या है समीकरण है। यदि समीकरण है x का मान यदि हम तीन रखें तो तीन प्लस एक कितना हो जाएगा चार, तो हमारा बायां पक्ष भी चार हो गया और दायां पक्ष भी चार हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी एक समीकरण हो गया जिसका हल कितना है तीन है। अब दूसरा देखो दो एक्स प्लस एक बराबर दो एक्स प्लस दो, तो हम क्या करेंगे देखो दो और यहाँ पे एक्स का मान हमने जैसे जीरो रखो, जीरो रखोगे तो क्या आएगा दो, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर जीरो प्लस एक, जीरो प्लस एक कितना हो जाएगा एक, जब दो में एक से गुणा करेंगे कितना आएगा एक, दो आएगा, दो आएगा, तो हमारा बायां पक्ष आया दो। अब दायां पक्ष में देखो दो, अब एक्स की जगह जीरो रखो, दो की एक्स की जगह जीरो रखो, दो की गुणा जीरो से करेंगे कितना आएगा जीरो और प्लस दो, तो हमारा कितना आया दो, दायां पक्ष भी दो और बायां पक्ष भी दो। अब इसमें एक्स की जगह एक रखकर देखना, दो रखकर देखना, सब में हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा, इसलिए ये हमारी क्या होगी सर्व समता होगी। ऐसे अपना नीचे देखा तीन एक्स बराबर दो एक्स प्लस एक्स, इसमें भी हम यही करेंगे, पहले जीरो रखेंगे फिर एक रखेंगे फिर दो रखेंगे, बायां पक्ष यदि दायां पक्ष के लिए हर मान पे बराबर हो तो वो हमारी क्या है सर्व समीका, यदि सब मानों के लिए बराबर नहीं है केवल एक मान के लिए बराबर है तो वो हमारी क्या है समीकरण। अब यहाँ पे देखो दो एक्स माइनस एक बराबर एक्स, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, और पांच एक्स माइनस एक बराबर नौ, इसमें भी हम इसी तरीके से देखेंगे।